हेलो दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता डीएलएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का पेपर है 2019 का। 3 घंटा और 60 नंबर का ये पेपर है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्या इनका आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाएं विश्व के भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो भारतीय आर्य भाषाएं बारोपीय परिवार से संबंध रखती है, भारत और यूरोप बारोपीय की। अगला है, वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। तो खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में प्रयुक्त होती है। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ है, तो इसका राइट आंसर होगा द, भाषा कौशल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के दृश्य रूप को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। मानकीकरण के साधन बताइए। मानकीकरण के साधन ग्रामोफोन, समाचार, टीवी, रेडियो, ये सब हो गए जिससे भाषा का मानकीकरण होता है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है बालक को सुनना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना और बोलना सिखाना। पांचवा है, लिखने के कौशल विकास की दो गतिविधियाँ लिखिए। तो लिखने के कौशल का विकास करने के लिए आप सूत्रलेख लिखा सकते हैं, आलेख लिखा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए किन किन विधाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति को उभारने के लिए विद्यालय में समाचार पढ़ाना, संवाद कराना, वार्तालाप कराना, कहानी सुनना। अगला सवाल है, संवाद व भाषा में क्या संबंध है? तो संवाद का जो माध्यम होता है वो कोई एक भाषा होती है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण में बाल गीतों का क्या महत्व है? आप अपने विचार इन क्वेश्चन में लिख सकते हो। जिस प्रकार आपको इनका आंसर आता है उस प्रकार आपको लिखना है। सारे रचनात्मक क्वेश्चन हैं जिनमें आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल विकास के लिए विद्यार्थी शिक्षक को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? 11वां क्वेश्चन, वाक्य विधि से पठन कैसा होता है समझाइए। 12वां क्वेश्चन, आप छात्रों की लेखन कला का मूल्यांकन करने के लिए किन किन आधारों पर विशेष ध्यान देंगे? मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर है? चित्र कथाओं के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ाने में बाल साहित्य किस प्रकार सहायक है? मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। आगे के क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, जो 4 क्वेश्चन है, वाक्य को परिभाषित करते हुए उसके भेदों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन, भाषा की मुख्य विधाओं का स्वरूपगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 18वां, लिखते समय छात्र की लिखावट में अनेक दोष आ जाते हैं, आप उनको दूर करने के लिए क्या करेंगे? 19वां क्वेश्चन, पठन कर समझने की क्षमता का विकास करने के लिए विद्यार्थी शिक्षक क्या करें? ये था BSTC फर्स्ट ईयर का हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का क्वेश्चन पेपर जो 2019 में संपन्न हुआ।